कल भी तेरी कोई अहमियत नहीं थी तारा मेम साहब की जिंदगी में और आज भी नहीं है। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि तेरे होने और ना होने से उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी धोखा खाया था और आज भी धोखा खाया है। पर अब पर ओए बोलने से क्या होता है, सामने वाला सुनना भी तो चाहिए। जैसे आज तूने बोला वो तारा मेम साहब ने सुना ही नहीं। वैसे अच्छा है नहीं सुना, वरना वापस से मेरा मजाक बन जाता। नहीं सुनी तेरी ज्ञान की बातें, ना तेरी ना उनकी, किसी की भी नहीं। अब देवा कमजोर नहीं पड़ेगा। पर तू मैंने कहा ना जाए आते। बहुत अच्छा हुआ कि तारा मेम साहब आपने मेरी बात को नहीं सुना। अगर आप मेरी बात सुन लेती तो फिर इन झूठी कहानी के साथ आ जाती। सही किया महादेव, बिल्कुल सही किया। जो आपने मेरी बात सुनी और तारा मैम को उनकी खुशी देकर मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि आप भी यही चाहते हैं कि मैं अपने मकसद पे ध्यान दूं। तो अब वही होगा, कोई अपने दिल के हाथों कमजोर नहीं पड़ेगा। 7 दिन में आपके कर्मों की सजा मिलेगी आपको, और मैं दूंगा आपको वो सजा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।